राय खुशनू दिए इमाम ज़माना बुलंद तर सलावात। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم और बलंतर बिरादरा ने इस्लामी और अजीजा ने ईमानी और मुसलमाना ने हुसैनी आज मुहर्रम अल हराम का चांद नमूदार हो चुका है। दुनिया की तमाम कौमें अपने अपने नए साल का आगाज खुशी की रस्मों से करती हैं, मगर मुसलमानों ने हमारे लिए खुशी का कोई मौका और कोई महल बाकी नहीं रखा। मुझे हैरत होती है, अफसोस होता है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुहर्रम का चांद देखकर एक दूसरे को नए साल के आगाज की मुबारकबाद देते हैं। इसी एक बात से
अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुसलमान खुद अपनी तारीख से कितना बेखबर है। इस एक बात से यह अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुसलमान अपनी तारीख से कितना बेखबर है और अपनी जिम्मेदारियों से किस कदर बेखबर है। अपनी जिम्मेदारियों से नाआशना है मुसलमान। और हम इस वक्त जिस अहद में जिंदगी बसर कर रहे हैं, इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि खुद मुसलमानों को भी और दुनिया के और इंसानों को भी नए सिरे से ये बताने की ज़रूरत है कि इस्लाम क्या है। ये एक बहुत ही वाज़ेह सी सूरत हाल है और इसीलिए आज मेरे ज़हन में ये उन्वान आया कि क्यों ना इन मजालिस का उन्वान ये करार दिया जाए कि दर्स इस्लाम है हुसैन का जिक्र। बस यही मेरा उन्वान है, दर्स इस्लाम है हुसैन का जिक्र। और इस उन्वान का वो मतन जो कुरान ने फराहम किया है, वो सूरह मुबारक अनआम की आयतें हैं जिन्हें मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين। ये आयतें आपके लिए नई नहीं हैं, ज़ाहिर कुरान मजीद की आयतें हैं और इस एतबार से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ नई नहीं हैं कि चूँकि उमूमन जो हजरात मुस्तहब्बात के पाबंद हैं वो अपनी नमाजों से पहले तकबीरात इफ्तिताहिया में इस आयत की तिलावत भी करते हैं। अब ये जिक्र आ गया है तो मैं एक इशारा करता हुआ आगे बढ़ूं। नमाजों में तकबीरात इफ्तिताहिया मुस्तहब हैं। तकबीरात इफ्तिताहिया के मानी हैं कि जब आप नमाज शुरू करें तो एक तकबीर तो वाजिब है जिसे कहते हैं तकबीरतुल इहराम, अल्लाहु अकबर, इससे नमाज शुरू होती। लेकिन इसके साथ छः तकबीरें और मुस्तहब हैं तो इसे शामिल करके सात तकबीरें हो जाती हैं। वो छः तकबीरें कहलाती हैं तकबीरात इफ्तिताहिया, यानी इफ्तिताह नमाज में ये अजान और अकामत के बाद और तकबीरतुल इहराम से पहले। इन तकबीरात इफ्तिताहिया का एक पस मंज़र है, वो अर्ज़ कर दूँ तो आपको ये इल्म हो जाएगा कि मैंने इस वक्त इसका तज़किरा क्यों ज़रूरी समझा। एक जुमला अक्सर मैं कहा करता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है कि कोई सच्चा आज़ादार हो हुसैन का और वो नमाज से बेनियाज हो, ये मुमकिन नहीं। नमाज रुकन दीन है, अमूद दीन है, सुतून खैमे दीन है नमाज। मानवी एतबार से कुफ्र और ईमान, शिर्क और ईमान के दरमियान खत फासिल है नमाज। और
یہ فقیر جو جملہ کہتا آیا ہے برسوں سے وہ یہ ہے کہ اگر مفصل نماز پڑھنی ہو تو مجلس عزا منعقد کر لیجئے، اگر مختصر سی مجلس کرنی ہو تو دو رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ اس لیے کہ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج، ایک ہے مزاج نماز کا اور مجلس حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں چاہتا کہ آغاز مجلس ہی میں بیان مسائل ہو جائے، لیکن حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا نام کہیں آئے اور آنکھیں نم ہو جائیں تو اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں روئیں اور چاہیں نہ روئیں، آپ کو اختیار ہے، اگرچہ آپ کی آنکھوں پر آپ کو اختیار شاید نہ ہو۔ میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ یہ جو دو آنکھیں ہمارے چہروں پر ہیں ان کا کام ہے رونا، یہ روئیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں رونے سے روک نہیں سکتی، اور وہ بھی حسین پر۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ نماز اور مجلس شبیر کا ایک مزاج ہے، تو یہ کوئی خطیبانہ نکتہ آفرینی نہیں ہے، کوئی جز نماز کا ایسا نہیں ہے جو اپنے پس منظر کے اعتبار سے ذکر حسین سے بطور خاص جڑا ہوا نہ ہو۔ کوئی جز نماز کا ایسا نہیں، یہاں تک کہ یہ تکبیرات افتتاحیہ، اور یہ روایت جو عرض کر رہا ہوں یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، اور نہ صرف یہ کہ روایت ہمارے یہاں بھی ہے اور دوسرے مسلمانوں کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے، بلکہ وہ بھی عمل کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ سال میں صرف دو مرتبہ عمل کرتے ہیں، ان کی فقہ کی مفصل کتابیں مطالعہ کر کے عرض کر رہا ہوں، ہم ہر روز پانچ نماز میں عمل کرتے ہیں۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جب محراب عبادت میں تشریف لائے نماز جماعت پڑھانے کے لیے، تو ساتھ میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو لے گئے، خود مسلح پر محراب میں کھڑے ہوئے، برابر میں کون ہے؟ حسین۔ اور آپ نے کہا اللہ اکبر، امام حسین خاموش رہے، انہوں نے تکبیر نہیں کہی۔ حضور نے یہ نہیں کیا کہ حسین نے اگر تکبیر نہیں کہی تو نماز شروع کر دیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ نہیں کہ اللہ اکبر کہا، اگر حسین نے نہیں کہا تو وہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، نماز کو آگے بڑھا دیں، نہیں۔ آپ نے دوبارہ کہا اللہ اکبر، پھر آقا نے نہیں فرمایا، تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر، حسین خاموش ہیں، چوتھی مرتبہ کہا اللہ اکبر، حسین خاموش ہیں، پانچویں مرتبہ کہا اللہ اکبر، حسین خاموش ہیں، چھٹی مرتبہ کہا اللہ اکبر، حسین خاموش ہیں، جب ساتویں مرتبہ کہا اللہ اکبر تو آقا نے بھی فرمایا اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضور نے 6 مرتبہ تکبیرات ارشاد فرمائی, اس لیے ہمارے ہاں مستحب ہے کہ ہر نماز کے شروع میں 6 مرتبہ تکبیر کہو اور 7ویں تکبیر تکبیرۃ الاحرام ہو اور پھر نماز شروع ہو. ہم ہر نماز میں یہ کرتے ہیں, اور دوسرے مسلمان نماز عید میں, اس لیے کہ ان کی روایت یہ کہ یہ واقعہ دراصل نماز عید کا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. چنانچہ آج تک ان کی فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نماز عید میں تکبیرۃ الاحرام سے پہلے 6 تکبیریں کہنا مستحب ہے, اس لیے کہ حضور نے حسین کی خاطر 6 تکبیریں کہی. اب بس ایک جملہ عرض کروں گا, یہ روایت چونکہ زیادہ مشہور نہیں ہے, شاید آپ نے پہلی بار سماعت فرمائی ہو, نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہو تو حسین یاد آتے ہیں, سجدہ کرو تو حسین یاد آتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اب ممکن ہے کہ کوئی عزادار نماز پڑھے اور حسین یاد نہ آئے, مصلی پہ کھڑے ہوں گے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے حسین یاد آئیں گے, سجدے میں جائیں گے حسین یاد آئیں گے. تکبیر جب تک حسین رسول کے ساتھ نہ کہہ دیں رسول نماز کو آگے نہیں بڑھاتے, اور سجدے میں حسین جب تک پشت سے اتر نہ جائیں حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. کیا شان ہے سرکار سید الشہداء کی, کیا شان ہے سرکار سید. اس لیے میں عرض کرتا ہوں ممکن ہے کہ کوئی سچا آزادار نماز پڑھے اور حسین یاد نہ آئے, یا اسے حسین کی یاد آئے اور نماز یاد نہ آئے. توجہ, کیا عرض کرتا ہوں, حسین کی یاد آئے اور نماز یاد نہ آئے, اور صرف نماز نہیں. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے اصول دین میں ارکان ہیں اور جتنے فروع دین میں ارکان ہیں, کوئی اصول اصل اصول دین میں سے اور کوئی رکن فروع دین میں سے ایسی نہیں ہے کہ جس کو ادا کیا جائے اور حسین یاد نہ آئے. اس لیے حسین سے بہتر وسیلہ نہیں ہے اسلام کو اثر نو سمجھنے کے لیے اور آج دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے. یہ مبالغہ نہیں ہے. اس سے پہلے میں اپنے یہ 2 مصرعے بھی آپ حضرات کے سامنے کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں, یہاں بھی اور ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی, کہ دین کی بات شروع ہوتی ہے نا اصول دین سے, اور اصول دین میں کس سے شروع ہوتی ہے, اصل الاصول کیا ہے, توحید, حق شناسی, اللہ کی معرفت. اور اللہ کی معرفت کے لیے اردو کے بہت مشہور شاعر ہیں جوش ملی آبادی, ان کا یہ شعر مشہور ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر حسین اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. اب ظاہر ہے اس شعر کے بارے میں تبصرہ کر چکا ہوں, اس شعر کا 2 نقطہ نظر سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے, اس کی تشریح کی جا سکتی ہے. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ گویا اس میں ضرورت نبوت کا انکار بھی پوشیدہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے, جیسے براہما کا نظریہ ہے, یہ بھی ایک شائبہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اس شعر میں نقص ہو یا نہ ہو, اس مضمون میں کوئی نقص نہ ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ مدرسے نہ مکان نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام, نہ مدرسے نہ مساجد نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام, ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی. حق
हक को अगर समझना है, खुदा की मारिफत अगर हासिल करनी है, तो भी सरकार सैयद शहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन तना आपकी जाते गिरामी काफी है, आपका इसम गिरामी काफी है, आपका नाम नामी काफी है। हुसैन ये एक लफ्ज, हुसैन ये एक लफ्ज पूरी इंसाइक्लोपीडिया है, हुसैन ये एक लफ्ज पूरा पैगाम है, हुसैन ये एक लफ्ज इस्लाम का पूरा तआरुफ है, जाहिर से बातिन तक। वैसे तो और भी अशार अब ज़हन में आ रहे हैं, जिनमें एक शेर ये भी मुझे पसंद है, लखनऊ के जनाब सैयद नवाब अफसर लखनवी का शेर है। अल्लाह सुबहानहु व तआला के नामों में से एक नाम हक है, जो मैं अक्सर कहता हूँ, हज़रत हक सुबहानहु व तआला। और हक चाहे उस मफहूम में हो और चाहे दूसरे जो उसके मफाहीम हैं उस मफहूम में हो, ये शेर मैं मिंबर पे पढ़ता रहा हूँ, हो सकता है आप हजरात को याद हो, लेकिन चूंकि मुझे पसंद है इसलिए दोहरा रहा हूँ कि हर एक जहन में है कुछ न कुछ तसव्वुर है। अब इसमें मुसलमान होना शर्त नहीं है, हर एक जहन में है कुछ ना कुछ तसव्वुर हक, हम उस तसव्वुर हक को हुसैन कहते हैं। हम उस तसव्वुर हक को हुसैन कहते हैं, ये नाम हक का तआरुफ है। और इसीलिए इंशाअल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू रहेगी आका अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि दरस इस्लाम है हुसैन का जिक्र। ये हम इस उनवान में ये जवाब पोशीदा है कि ये हमें क्या हो गया है और क्या हो जाता है हर साल, क्यों हम अपने साल का आगाज जिक्र हुसैन से करते हैं, इसलिए कि यही दरस इस्लाम है, दर से इस्लाम है, और वो भी अपने जवाहिर से लेकर अपने बुतून तक। जाहिर इस्लाम को समझना हो तो हुसैन समझाएंगे, बुतून इस्लाम इसकी गहराइयों में उतरना हो तो हुसैन समझाएंगे। हुसैन का नाम, हुसैन का काम, हुसैन की सीरत, हुसैन की तहरीक, हुसैन की कुर्बानी, इसे मुसलसल बयान करते रहने की जरूरत है। इसमें तह दर तह तफसील के साथ वो इस्लाम मौजूद है जो मंशाए इलाही के मुताबिक है। अब आज तमीदी मजलिस है तो मुझे अपने पुराने ही जुमले याद आते चले जा रहे हैं, कल से बहस आगे बढ़ेगी। ये जो मैंने अर्ज किया कि वो इस्लाम जो मंशा इलाही के मुताबिक है, ये क्यों अर्ज किया, इसलिए इससे पहले मैं ये अर्ज कर चुका हूँ कि इस वक्त दुनिया में दो इस्लाम है और दो तरह के मुसलमान हैं, एक है इलाही इस्लाम, एक है सियासी इस्लाम। मुसलमान भी दो तरह के हैं, कुछ हैं वो जो हकीकी मुसलमान है, हकीकी मुसलमान का तर्जमा कई तरह से कर सकते हैं आप, हकीकी मुसलमान, इलाही मुसलमान, कुरानी मुसलमान, अलवी मुसलमान, हुसैनी मुसलमान, ये सब के मानी एक हैं। दूसरी तरफ सियासी मुसलमान, अमवी मुसलमान, अब्बासी मुसलमान, वो अलग मुसलमान है,
दोनों में फर्क गिनाए जाएं तो बहुत फर्क है, यानी एकेडमिक नुक्ते नजर से, इल्मी नुक्ते नजर से, अदबी नुक्ते नजर से, वो जो रिसर्च का तरीका है, एक मकाला लिखने वाला मकाला लिखता है किसी सेमिनार में पेश करने के लिए, कहीं डिस्कस करने के लिए, तो उसका एक सलीका होता है। अगर उस तरीके से गुफ्तगू की जाए तो ये सियासी इस्लाम और इलाही इस्लाम और सियासी मुसलमान और इलाही मुसलमान में बहुत से फ़र्क बताए जा सकते हैं। बुनियादी फ़र्क ये हैं, फ़ुरूई फ़र्क ये हैं, ज़ाहिरी फ़र्क ये हैं, बातनी फ़र्क ये हैं, लेकिन उन तमाम इम्तियाज़ात और उन तमाम खसूसियात और उन तमाम फ़र्कों को जमा करके अगर मैं अर्ज़ करूँ तो एक चीज़ ऐसी है जिसमें सब चीज़ें सिमट आती हैं। इलाही मुसलमान और सियासी मुसलमान में फ़र्क यह है, जो पहले अर्ज कर चुका हूँ, गालिबन किसी शाम गरीबा की मजलिस में भी अर्ज कर चुका हूँ कराची में, सियासी मुसलमान वो है, सियासी मुसलमान वो है जो अपने इख्तदार दुनियावी के लिए इस्लाम को कुर्बान कर देता है। और इस वक्त दुनिया में यह हो रहा है, ये बात समझने से ताल्लुक रखती है, बार बार दोहराने से ताल्लुक रखती है। और इलाही मुसलमान वो है जो खुद अपनी जात को और अपनी जात से मुताल्लिक हर शय को कुर्बान कर देता है इस्लाम को बचाने की खातिर। ये फर्क है, मामूली फर्क है। एक तरफ इस्लाम कुर्बान हो रहा है इख्तदार की खातिर, और एक तरफ इस्लाम की खातिर जान कुर्बान हो रही है। ये बात जितनी आसानी से आप समझ जाते हैं, दूसरे नहीं समझ पाते। आप क्या समझ लें, दूसरे समझ लेते हैं ये बात? ये बात जिसे आप बहुत सामने की और सादा सी बात समझते हैं कि इस्लाम को बचाने के लिए जान कुर्बान कर देता है एक इंसान, दूसरों की समझ में नहीं आती ये बात। ये बात समझ में नहीं आती। क्यों समझ में नहीं आती? इसलिए कि कुरान मजीद की ये आयतें रोशन नहीं हैं। कौल कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए, कौल कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी तमाम इबादतें, मेरी पूरी जिंदगी, मेरी मौत सब उस माबूद बरहक के लिए है जो तमाम आलमीन का परवरदिगार है। ला शरीक ला, कोई उसका शरीक नहीं है। वबिज़ालिक उमर्त, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है, इसी का अम्र फरमाया गया है। वअना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं तमाम मुसलमानों में, ये तर्जमा दुरुस्त नहीं होगा, और मैं सरे तस्लीम खम करने वालों में सबसे पहला हूं। मैं सरे तस्लीम खम करने वालों में सबसे पहला हूं। देखिए तर्जमा मैंने जाहिरी अर्ज कर दिया, जो अक्सर नहीं किया करता हूं, इसलिए कि इस आयत में बहुत मतालिम है, तह दर्द है। आखिर कुरान की आयत है, और अभी दो एक इशारे करूंगा और आपके सामने वाजे हो जाएगा कि कितनी मुश्किल बहसें पोशीदा हैं और मुतरजमीन को कितनी जहमत हुई है इस आयत के तर्जमे में, इसलिए कि बाज़ हकीकतें उनके सामने रोशन नहीं थी या रोशन नहीं है। आपने तर्जमा मेरी जबान से सुना, ये वो तर्जमा है जो आमतौर पर दूसरे मुतरजमीन ने किया है, मैंने कोई अपनी तरफ से तसरुफ इसमें नहीं किया है। जो दूसरों ने तर्जमा किया वो मैंने बयान कर दिया, लेकिन इसी तर्जमे को करने में दुश्वारियां पेश आई हैं, और ब्रैकेट में या हाशिए में या तफसीर में उसकी तौजीहें और तावीलें बयान करने पर मजबूर हुए हैं,
چونکہ بعض حقیقتیں ان کے سامنے روشن نہیں تھیں۔ میں ابھی ایک امر کی طرف اشارہ کروں گا اور بات آگے بڑھا دوں گا، تفصیلیں بعد میں آئیں گی آپ کے سامنے۔ کہ جو آخری فطرہ ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرما رہے ہیں نا کہ میں سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ عجیب بات ہے۔ اچھا، لفظ ہے مسلمین، عام ترجمہ، اس سے بھی سادہ تر ترجمہ اور عامیانہ ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ میں مسلمانوں میں سب سے پہلا ہوں۔ تو اب عام مفسرین کو دشواری ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میں سب سے پہلا ہوں، اور وہ بھی خود نہیں فرما رہے، خدا کہہ رہا ہے کہ کہیے۔ توجہ ہے، قل سے آیت شروع ہوئی ہے، قل سے آیت شروع ہوئی ہے، خدا کہہ رہا ہے کہہ دیجئے۔ اب آپ قرآن مجید کا از اول تا آخر تتبع کیجئے، مطالعہ کیجئے، بہت سی آیتیں بغیر قل کے شروع ہوئی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، حضور کا ارشاد نہیں ہے، وحی الہی ہے، جبرائیل آئے انہوں نے آیت پہنچائی، حضور نے پہنچا دیا۔ لیکن اسی میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں قل آیا، اس کی اور بہت سی توجیہیں کی گئی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے آپ تتبع کیجئے، مطالعہ کیجئے، از اول تا آخر، جہاں جہاں کوئی ایسا مضمون آیا ہے یا ایسی بات کہی گئی ہے کہ جو ان کے لیے قابل فہم نہیں تھی، جو ان کے باور کرنے میں دشواری آ سکتی تھی، وہاں پہلے کہہ دیا گیا کہ اب آپ سادہ طور پہ آیت نہ سنائیں، آپ قل کے ساتھ سنائیں، یعنی کہا جا رہا ہے کہ میں یہ کہوں۔ صلوات ہو رہی ہیں، مخاطب کون ہے؟ دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، کسی کا دل نہ دکھے، وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ تھے جو حضور کو صادق بھی کہتے تھے اور امین بھی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں جن کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، وہاں حضور کی ذات پر اعتقاد میں کوئی ایسی کمی ضرور ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہی نہیں سنا دیجئے گا، قل کے ساتھ سنائیے گا تاکہ انہیں یقین آئے کہ میری طرف سے کہہ رہے ہیں آپ۔ غور فرما رہے ہیں آپ، میری طرف سے فرما رہے ہیں آپ۔ تو بہت سے ایسے مقامات ہیں قرآن مجید میں کہ جہاں قل سے بات شروع ہوئی ہے، یہاں بھی قل سے بات شروع ہوئی ہے۔ اسی قرآن مجید میں جناب ابراہیم کے اسلام کا ذکر ہے اور ان کے مسلم ہونے کا تذکرہ ہے، ان کی وصیت موجود ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے وصیت کی کہ دیکھو تم دنیا سے جانا نہیں مگر مسلمان، اسلام پر خاتمہ ہو تمہارا، اسلام پر جینا، اسلام پر مرنا۔ تو جناب ابراہیم اور ان کی اولاد بہرحال حضور کے دور سے پہلے گزری ہے نا، ان کے ہوتے ہوئے پھر پیغمبر سب سے پہلے مسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ مقام قرآن کا اور ایک یہ مقام قرآن کا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اب اگر حضور صرف کہنے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ تو مجمع میں بہت سے لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے آپ اول مسلم کیسے ہیں، ابراہیم اول مسلم تھے۔ اب جب آپ بات قل سے شروع ہوئی،
अल्लाह कह रहा है कि आप कह दीजिए मैं सबसे पहला सर तस्लीम खम करने वाला हूं, तो मजबूर हो गया मुसलमान सोचने पर कि परवरदिगार ने अगर कहा है तो इसके मानी है कि कहीं ना कहीं मुस्तफा की अव्वलियत महफूज है। अव्वलियत महफूज है, गौर फरमाए आप। अब वो जो आयत है, वो जो हदीस है मशहूर के अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने जो चीज खल्क की वो मेरा नूर है। अब बहुत से मुहद्दिसीन और अहले हदीस ये कहते हैं कि इस हदीस की सनद तो नहीं मालूम, सूफिया इसे ज्यादा नकल करते हैं, अशिया इसे ज्यादा नकल करते हैं, पता नहीं ये हुजूर ने फरमाया या नहीं फरमाया। इस हदीस को तस्लीम कीजिए ताकि ये आयत रोशन हो जाए। ना इब्राहिम अव्वल मुस्लिमीन में है, ना आदम अव्वल मुस्लिमीन में है, वो अव्वल मुस्लिमीन में है जब कुछ न था मगर उसका नूर मौजूद था, कुछ न था और उसका नूर मौजूद था, और वो नूर था कि जब उसने तकबीर कही तो मलाइका ने तकबीर कहना सीखी, जब उसने हम्द की तो मलाइका ने हम्द करना सीखा, जब उसने तस्बीह पढ़ी तो मलाइका ने तस्बीह पढ़ना सीखा। और हमारे यहां अगर ये हदीसें और इस मजमून की हदीसें पेश नजर हो तो ये मकाम रोशन होगा कि हुजूर ने क्यों फरमाया वह आना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सर तस्लीम खम करने वालों में सबसे पहला हूं। अब देखिए अभी बहस खत्म थोड़ी हो गई, आज वक्त तमाम हुआ चाहता है, इसलिए आज ये बहस आगे नहीं बढ़ेगी। अव्वल के मायने कितने हैं, अव्वलियत की किस्में कितनी हैं, यहां हुदूस व कदम की बात आएगी, कितने किस्म के की कदामतें हैं, ये इल्मी बहसें हैं। जाहिर है कि आप इस फकीर से इस तरह के मसाइल सुनने के आदि हो चुके हैं, बर्दाश्त करने के आदि हो चुके हैं, लेकिन जब तक ये बातें ये निकात रोशन नहीं होंगे उस वक्त तक देखिए कुरान मजीद पढ़ा है ना मैंने आपके सामने, कुरान मजीद की आयत है ना वाना अव्वलुल मुस्लिमीन। अब बस मैं बयान को समेटूं, जिस तरह ये आयत मजीदा के आखिर का जो फितरा है वाना अव्वल मुस्लिम अव्वलुल मुस्लिमीन, ये बहस तलब है, बहुत बहस तलब है। किस तरीके से हक सुभानहू व तआला ने कहा है कि आप फरमा दीजिए कि मैं अव्वल मुस्लिम हूँ, पहला हूँ मैं, जनाब आदम से लेकर हुजूर की विलादत कब हुई है। और हमारे यहां तो फिर पहले कैसे हो गए, बहुत बहस होगी इस पर इंशाल्लाह। जिस तरीके से ये बात बहस तलब है उसी तरीके से ये बात बहस तलब है। देखिए किस तरतीब से आयत का मजमून शुरू हुआ है और बुलंद होता चला गया है और वसी होता चला गया है। आयत का मजमून कुरान की आयत है, कुल कह दीजिए, क्या कह दीजिए, इन्ना बेशक, इन्ना सलाती मेरी नमाज, अगर जाहिरी तर्जमा करें तो नमाज हुजूर की हो या एक आम मुसलमान की, दो रकात नमाज कितनी देर में हो जाती है, दो मिनट, चार मिनट, पांच मिनट, कुछ और। नमाज का बखातिर खुदा होना कोई ज्यादा परेशानी की बात बजाहिर नहीं है, अगरचे वो भी है। इस मजमे में पूरे मजमे को चैलेंज कर रहा हूं, बल्कि कुरै अर्ज के तमाम मुसलमानों को चैलेंज कर रहा हूं, कोई है जो ये कहे कि दो रकात नमाज मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी पढ़ी है कि तकबीरतुल इहराम से लेकर और सलाम तक जहन इधर उधर कहीं भटका ना हो। कोई है जो ये कह सके कि दो रकात नमाज मैंने ऐसी पढ़ी है
کہ ذہن کہیں ادھر ادھر نہیں گیا. اکثر تو لوگ یہ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں مولانا کیا کریں, اس لیے کہ نماز جب پڑھتے ہیں تو ساری دنیا کے مسائل اسی وقت یاد آتے ہیں. ہر مسئلہ نماز میں یاد آتا ہے. نماز میں توجہ کیسے پیدا ہو بتائیے, اب اس کے طریقے ہیں وہ الگ بحث ہے. لیکن عام طور پر دو رکعت نماز بھی اس شان کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ, اس جذب کے ساتھ, اس خضوع کے ساتھ, اس خشوع کے ساتھ, اس معرفت کے ساتھ, اس للہیت کے ساتھ, اس اخلاص کے ساتھ کہ تکبیر سے تسلیم تک ذہن ادھر ادھر کہیں نہ جائے, صرف اور صرف خدا ذہن میں ہو, خدا کی بارگاہ میں محضر الہی میں حضور کا احساس ہو کہ ہم وہاں حاضر ہیں, ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, یہ احساس طاری رہے. مشکل ہے بلکہ محال ہے, دشوار ہے, تقریباً ناممکن ہے. عام انسان کے لیے تو تقریباً ناممکن ہے, لیکن پھر بھی سلمنا, تنزل کرتے ہیں, ہم مان لیتے ہیں کہ دو رکعت نماز انسان اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہے, باقی تمام عبادتیں ونسکی اور میری تمام عبادتیں, یا دوسرا ترجمہ ہے کہ اور میری قربانی. ابھی عید قربان گزری ہے, ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر میں زیادہ پیسے والا ہوں تو مہنگے سے مہنگا جانور قربانی کے لیے لاؤں گا اور پھر اسے ہار پہنا کے اور طواف کرایا جائے گا, محلے میں اعلان ہوگا کہ میری طرف سے اونٹ نہر کیا گیا, میری طرف سے کتنے جانور ذبح کیے گئے. یہ اشتہار کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ خدا کے لیے قربانی ہو رہی ہے یا اسٹیٹس سمبل بتایا جا رہا ہے؟ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی, اور میری قربانی وہ بھی اللہ کے لیے. اب بات ایک دم سے آگے بڑھی اور دیکھیں یہاں پر اور رعایتیں ہیں. ان صلاتی, بے شک میری نماز, سب سے بڑی عبادت ہونے کے باوجود سب سے مختصر بھی کوئی عبادت ہے تو نماز ہے. یہ یاد رکھیے گا, نماز سب سے بڑی عبادت ہے یہ سب سے مختصر ہے, اور کتنی مختصر ہو سکتی ہے یہ انشاءاللہ کل یا پرسوں کی تقریر میں میں عرض کر دوں گا, اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو حیرت ہوگی چونکہ احکام تو بیان نہیں ہوتے نا, احکام بیان نہیں ہوتے تفصیل سے کہ نماز کی کتنی قسمیں ہیں اور نماز مختصر ترین اور تمام نماز کیسے ممکن ہے. یہ آئے گی بحث, لیکن یہ یاد رکھیے گا جملہ کہ سب سے بڑی عبادت ہے نماز, اور ساتھ میں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے مختصر عبادت بھی ہے. اور عبادات کے سلسلے میں سب سے وسیع اور بڑی بظاہر عبادت ہے حج, اور حج میں, حج کی طرف اگر اشارہ کیا جائے, قربانی کہاں واجب ہے حج میں, تو گویا ابتدا میں تمام عبادات کا بالترتیب ذکر آ گیا. بے شک میری نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج, سب خدا کے لیے. اب یہاں ہر مسلمان آگے بڑھ کے کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ, آپ جس طرح کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ, میں بھی تو اسی طرح کہتا ہوں نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. اس کے بعد کا فقرہ ومحیایا, میری پوری زندگی خدا کے لیے. ومماتی, اور میری موت خدا کے لیے. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, شاید زبان کا جملہ سمجھ کے آپ لطف لیں گے, لیکن یہ صرف زبان کا جملہ نہیں ہے. جو دنیا پہ مرے جا رہے ہوں وہ خدا کے لیے موت کا تصور کہاں کر سکتے ہیں؟ جو دنیا پہ مر رہے ہوں اور دنیا کے لیے مرے جا رہے ہوں وہ خدا کی راہ میں مرنے کا تصور کیا کر سکتے ہیں؟ تو آیت مجیدہ میں ہے, آیت کریمہ میں, میری نماز ہو,
या कोई इबादत हो, मेरी तमाम इबादतें, मेरी कुर्बानी और मेरी पूरी जिंदगी और मेरी मौत, अल्लाह सब खुदा के लिए और उस खुदा के लिए है जो आलमीन का परवरदिगार है। एक एक मकाम बलागत के एतबार से और मारिफ के एतबार से तशरीह तलब है। अजब मकाम है वाकई। खुदा की कसम जब मैं मिंबर पे होता हूँ और कुरान मजीद की आयतों को तिलावत करता हूँ और उसके अल्फाज के दरमियान और कलिमात के दरमियान जो अनवार मानी मौजज़न होते हैं तो अजब कैफियत होती है। क्या बयान करूँ, कितना बयान करूँ, कैसे बयान करूँ, किस कदर बलागत है यहाँ पर। अब जाहिर है मैं वादा कर चुका कि आज का वक्त तमाम हो रहा है, मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं, लेकिन तवज्जो रखिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी तमाम इबादतें, मेरी कुर्बानी और मेरी पूरी जिंदगी और मेरी मौत सब उस माबूद बरहक के लिए जो तमाम आलमीन का परवरदिगार है और कोई उसका शरीक नहीं है। और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है, ये हुजूर ने फरमाया है, लेकिन ये पूरा मजमून, खुदा की कसम ये पूरा मजमून, इसमें खास चीज क्या है कि जिंदगी हो या मौत, इबादत हो या मुआमलात, ये सब कुछ लिल्लाह होना चाहिए। यानी एक मरकजी नुक्ता है इखलास, खुलूस। जो चीज हो खुलूस से हो, किसके लिए खुलूस, खुदा के लिए, सिर्फ खुदा के लिए जीना और सिर्फ खुदा के लिए मरना, इसका तसव्वुर ही दुश्वार है। ये कॉन्सेप्ट, ये नोशन, ये कंसीव करना, ये दुश्वार है आम इंसान के लिए। हम अपनी जिंदगी के कितने लम्हात अपने लिए बसर करते हैं, बीवी के लिए बसर करते हैं, बच्चों के लिए बसर करते हैं, अज़ा अक़रबा के लिए बसर करते हैं, ये तसव्वुर आम इंसान के लिए किस कदर दुश्वार है कि पूरी जिंदगी खुदा के लिए बसर की जाए। आसान है, ये मजमून समझना आसान है क्या? जैसे अव्वलुल मुस्लिमीन का नुक्ता समझना दुश्वार है, वैसे ये समझना दुश्वार है कि मुमकिन कैसे है कि पूरी जिंदगी खुदा की खातिर बसर की जाए। और जो चीज समझना भी दुश्वार हो उसे करके दिखा देना मोहम्मद वाले मोहम्मद का कारनामा। जो दूसरों के लिए, आम इंसान के लिए समझना भी दुश्वार है, वो इनके लिए इनका कारनामा है। बस। और न सिर्फ ये कि ये अंदाज सिर्फ सरकार खत्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, बल्कि हुजूर के साथ साथ अहले बैत पैगंबर में से जो हुजूर के औसिया हैं, जो अइम्मा हुदा हैं, जिन्हें पूरी उम्मत इमाम तस्लीम करती है, जो पूरी इंसानियत के रहबर हैं, हादी हैं, इमाम हैं, उन सब की जिंदगियों में यह है, क्योंकि पूरी जिंदगी और मौत खुदा के लिए। और सबसे ज्यादा वाज़े ये मजमून जहां नजर आता है वो सरकार सैयदुश्शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन की जिंदगी। बस आज तमहीद अय्याम अज़ा में इससे ज्यादा गुजारिश नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है कि इस कदर तमहीदी कलिमात में मजमून उनवान वाज़े हो गया होगा, वो थीम वाज़े हो गई होगी कि जिस थीम पर हमें काम करना है इस 10 दिन में, और जो पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है कि हमें अगर इस्लाम सीखना है तो किससे सीखना है, हुसैन से सीखना है, ख़ासतौर से इस वक्त, इस 21वीं सदी में, इन लम्हात में, जिन लम्हात में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमें नए सिरे से इस्लाम का मुताला करना है। और वो किसके हवाले से,
हुसैन के हवाले से। क्यों हुसैन के हवाले से? इसलिए कि जवाज हुजूर ने फराहम किया है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे, मैं हुसैन से। अब अगर हमें सीखना है इस्लाम और समझना है हुजूर की जिंदगी को, तो हुसैन के हवाले से, हुसैन और आले हुसैन, अली और आले अली, मोहम्मद और आले मोहम्मद, इनकी अजामत तारीख में जो है उसे मरहूम नजमा फंदी शायर अहले बैत नजमा फंदी ने दो सादा से, बहुत सादा से दो मिसरे हैं और इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है और इसमें पूरा मजमून अदा हो गया है। फरमा गए हैं कि अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से फरमाते हैं कि अहले बैत मुस्तफ़ा की जिंदगी इस्लाम है, ये बता देना जमाने को हमारा काम है, ये बता देना। बहुत आसान सा है ना, कोई अभी लंदन में जो लोग उजर रखते हैं कि उर्दू मुश्किल ना बोली जाए, हैं? ये बता देना जमाने को हमारा काम है, अहले बैते मुस्तफ़ा की जिंदगी इस्लाम। यही वो सबक है जो आज आम मुसलमानों को याद नहीं है और ये हमारे इन मेंबरों का फरीजा है कि हम ये बात आम करें और सबको समझाएं कि अहले बैते मुस्तफ़ा की जिंदगी इस्लाम है। इस्लाम लफ्जों में नहीं है, इस्लाम किरदारों में है। किसी खुतबे जुमा में मैंने अर्ज किया था एक नुक्ता, उसकी तफसील अर्ज करूंगा यहाँ मिंबर पे इस सिलसिले मजालिस में, कि तीन उलूम हैं, इल्म फिक्र या इल्म शरीयत, इल्म अखलाक, इल्म इरफान, इन तीनों में रिश्ता है। और इब्तिदा कहाँ से होती है? फिक्र से। फिक्र का काम क्या है? फिक्र का काम सिर्फ ये है कि वो एक खाका पेश कर देता है, इल्म फिक्र एक खाका पेश करता है और बस इस खाके को भरना, रंग आमेजी, ये काम इल्म अखलाक करता है। कोई स्केच बना दिया जाए सिर्फ पेंसिल लेकर तो स्केच है। इल्म फिक्र सिर्फ हलाल और हराम, वाजिब और मुस्तहब और मुबाह, ये पांच रंग के निशानात में जिंदगी का पूरा नक्शा है, नक्शा है, बस खाका है। इस खाके को पैकर अता करता है इल्म अखलाक और इस पैकर में रूह डालता है इल्म इरफान। अब बस काफी है ना इतनी बहस, आगाज बहस, बाकी बातें कल होंगी इंशाल्लाह और उसके बाद। ये जो इल्म इरफान रूह डालता है, ये रूह कौन सी है? रूह इखलास लिल्लहियत। खुदा ने आदम का पैकर बना के अपनी तरफ से रूह डाली थी तो वो जिंदा पैकर हो गया था। हमें अपने आमाल में जो रूह डालनी है वो एक कुर्बतन इल्लाह कहकर रूह डालनी है। और हमारे यहाँ हर अमल खुदा की पसंद का अमल, बस चाहे इंसान का सोना हो या जागना हो या उठना हो या बैठना हो, आप हजरात के लिए काबिले तहम्मुल हो तो बस एक फिक्रा अर्ज कर दूं। आम तौर पर इबादात का इतलाक नमाज, रोजे, हज और ज़कात पर होता है और निकाह
इसे तो बिल्कुल दुनियावी चीज समझी जाती है ना, शादी। अब ये जुमला याद रखिएगा, अगर निकाह और अक़्द निकाह और शादी सिर्फ एक दुनियावी अम्र होता तो खुदा की कसम कोई नबी और कोई वलीउल्लाह कभी शादी ना करता। ये सिर्फ दुनियावी मसला नहीं है, ये सिर्फ दुनियावी मसला नहीं है। अगर इसमें भी कुर्बतन इलल्लाह की नियत हो तो ये अक़्दे इज़दिवाज भी इबादात के हिस्से में आ जाता है। इबादत, इबादत है, शादी करना इबादत है। अगर मंसूबा मशीयत को आगे बढ़ाने के लिए और बस एक फकरे में रब्ते मसाइब हो जाएगा, हरचंद के इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन बहरहाल अगर सरकार सैयदुश्शुहदा ने करबला में अपनी किसी बेटी का अक्द किया है तो शायद यही समझाने के लिए। सुभान अल्लाह, कि कोई इबादत छूट ना जाए। तवज्जो फरमा रहे हैं, अगर के साथ मैंने गुजारिश की, बस गुफ्तगु तमाम कर दिया। आज भी आज मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया है, कल मुहर्रम की पहली है। रिवायत है आठवें इमाम इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि सल्लम, इमाम के पास एक सहाबी आए रियान इब्न शबीब, देखा इमाम मगमूम है, इमाम के चेहरे पे उदासी है, पलके नम हैं, रुखसार पर आंसुओं का निशान है। रियान ने आका को देखा और कहा, आका क्या बात है, कोई रंज पहुंचा है? तो आका ने फरमाया कि इब्ने शबीब तुम बेखबर हो, तुम्हें मालूम नहीं आज कौन सी तारीख है? कहा, आका आज मुहर्रम की पहली है। कहा, खुदा की कसम मैंने अपने बाबा इमाम मूसल कादिम को मुहर्रम की पहली से कभी कभी ऐसा नहीं देखा कि वो रोते ना हो, हमेशा रोते हुए देखा। ये तो हमारे सोगवारी के दिन आए और फिर आप ने खूब गिरिया किया और फिर चंद वसीयतें और चंद नसीहतें और चंद ताकीदें हैं इमाम की इब्ने शबीब से, जो सब के सब आज़ादारी के ताल्लुक से हैं। इमाम ने फरमाया है एक फकरा, इब्ने शबीब इन कुंत बाकियन लशयइन फक्किल हुसैन इब्ने अली, ऐ इब्ने शबीब अगर किसी भी शय के लिए तुम गिरिया करना चाहो तो बस हुसैन के लिए गिरिया। अजरकुम अलल्लाह, यह आपका गिरिया रस्म नहीं है, ये इबादत है, ये इबादत है। हर अश के अजा की ये कीमत बहुत बुलंद है, आपको अंदाजा नहीं कितनी बुलंद है। तसव्वुर कीजिए, क्योंकि मजलिसें महदूद हैं, वाक़ियात करबला और तारीख़ ज़िंदगानी है हज़रत सैयदुश्शुहदा तफसील के साथ पूरी जामियत के साथ बयान ना हो पाएगी, इसलिए मशहूर मशहूर और नुमाया नुमाया मौके ज़िक्र कर दिए जाते हैं और मैं भी इसी तरह ज़िक्र करूँगा। तसव्वुर कीजिए कि मदीने से हुसैन कैसे रुखसत हुए होंगे। इसमें कोई खतीबाना नुक्ता आफरीनी नहीं है, आप सब इस तरह के तजरबे से गुजरे हैं और मैं अभी गुजरा हूँ। आम तौर पर जो लोग हज के लिए जाते हैं, अभी मेरे बहुत से दोस्त अहबाब हज पे गए थे, वापस आए, मैंने कहा ज़ियारत मकबूल हो, कबूल हो, इंशाल्लाह हज कबूल हो। कहा मौलाना बस क्या बताऊँ, हज जब तक नहीं हुआ था
हर हर मरहला मुश्किल मालूम हो रहा था, लेकिन जब हज खत्म हो गया तो फिर वापसी का सफर दुश्वार हो गया था। खाने काबा से जुदा होना आसान नहीं था, खाने काबा से जुदा होना आसान नहीं था। एक आम, एक खाकी, एक खाती, एक आम मुसलमान, एक आम मोमिन हज के लिए जाता है, उसे काबे से इतना इश्क हो जाता है कि काबे से जुदा होना मुश्किल होता है। मदीने जाता है रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए तो कब्र पैगंबर से जुदा होना मुश्किल हो जाता है। अभी चंद रोज कबल परसों मैं वापस आया हूँ, हरम इमाम रज़ा में था। जब मैं आखिरी ज़ियारत के लिए गया, ज़ियारत विदा के लिए इस सफर में, तो सजदे शुक्र में एक कैफियत तारी हुई। मैंने कहा आका, आपकी जरी से जुदा होने का दिल नहीं चाहता, ये बताइए आका हुसैन रसूल की जरी से कैसे जुदा। मेरा आपकी जरी से जुदा होने को दिल नहीं चाहता, हुसैन कैसे जुदा हुए होंगे अपने नाना की कब्र से, नाना की कब्र से, मादरे गिरामी की कब्र मुबारक से, भाई हसन मुश्तबा की कब्र से, किस तरह हुसैन जुदा हुए। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, फिर अर्ज कर रहा हूं, इस मरतबा कुछ ऐसी रिवायतों पर इशारा करता हुआ गुजर रहा हूँ जो उम्र नहीं पढ़ता रहा हूँ मैं माजी में। तारीख ने बहुत खयानत की है अहले बैत की तारीख लिखने में, मुअर्रिखीन ने बहुत खयानत की है, यहाँ तक कि हर चीज हमें नहीं मालूम कि हकीकत क्या थी। सरकार सैयदुल शुहदा की कितनी बेटियाँ थीं, कितने बेटे थे, इस सब में इख्तिलाफ है। इसके लिए सेमिनार मुनाकिद करने की ज़रूरत है, बहस करने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त मैं अर्ज़ करूँ कि ये ज़रूर है कि बाज़ अरबाब मकातिल ने जिक्र किया है आका की एक ऐसी बेटी का कि जब आप मदीने से रुखसत हो रहे थे तो वो बेटी बीमार थी। ये भी सवाल पैदा होगा ना, आका अपने नाना की कब्र से कैसे जुदा हुए, आका अपनी मादर गिरामी की कब्र से कैसे जुदा हुए, आका अपने भाई हसन की कब्र से कैसे जुदा हुए, आका अपनी बीमार बेटी को जिंदा छोड़कर कैसे जुदा हुए। बस अब ये वाकयात जो बाज अहले मारिफत ने लिखे हैं और बाज शुआरा ने नज्म किए हैं और आप बराबर सुनते रहे हैं, इनमें बड़ी वाकईयत है कि जब आका ने मदीने से कूच किया है और बेटी को छोड़ा है, बेटी के पास कुछ अमानतें रखी, कुछ असरार सुपुर्द किए, कुछ असरार जनाब उम्मे सलमा के पास सुपुर्द किए, तो जब सब सवार हो गए तो एक मरतबा पलट पलट के घर की तरफ देखते जाते थे, आगे बढ़ते जाते थे। आका सैयद शुहदा इमाम है, हुज्जत खुदा है, वली हक है, मगर बाप का दिल भी तो सीने में है ना। बीमार बेटी को छोड़ के जा रहे थे, पलट के आका हुसैन ने देखा तो देखा कि लड़खड़ाती हुई बेटी डेहड़ी से बाहर आ गई। बस ये हुसैन बर्दाश्त नहीं कर सके, हालांकि पूरा महल्ला महल्ला बनी हाशिम का महल्ला था, मस्जिद नबवी के जवाब में थे, रुखसत करने वालों में बनी हाशिम मौजूद थे। आका ने पूरा काफिला रोका और बेटी को फिर सीने से लगाया। बेटी एक एक से आकर रुखसत हुई, अपनी माँ रबाब से रुखसत हुई, बीबी ज़ैनब से रुखसत हुई, आका हुसैन से रुखसत हुई, और चूंकि बीबी रबाब के आगोश में एक नन्हा बच्चा था तो ये बेटी आई और उसने बच्चे को प्यार किया, बच्चा हुमक के बहन के आगोश में।
बच्चा हिम्मत के बहन के आगोश में आ गया, बहन ने सीने से लगा लिया, बहन ने सीने से लगा लिया। अब माँ दोबारा चाहती थी बच्चा बहन की आगोश से ले ले, बच्चा आने के लिए आमद आना था। उपी ने कोशिश की, सब ने कोशिश की, बच्चा बहन की आगोश से जुदा नहीं होना चाहता था। एक मरतबा अबू अब्दुल्लाह हुसैन आगे बढ़े, हुज्जत हक आगे बढ़े, अपने नन्हे से बच्चे के कान में कुछ कहा, बच्चा तड़प के बहन की आगोश से जुदा हुआ, बाप की आगोश में आ गया। अशब नहीं आका ने फरमाया, ओ बेटा तुम हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, करबला में आखिरी हुज्जत तुम्हें तमाम करनी है, महजर शहादत में तुम्हारा नाम मौजूद है, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशा, हमारी ये इबादत अज़ा कबूल फरमा, मक़बूल हमारे अंदर, हमारे सीने में, हमारे सीनों में, हमारे दिलों में चराग़े तौहीद रोशन रहे। परवरदिगार हमारे हाथों में हमेशा ख़त्मे नबूवत है का दामन रहे, हमारे कदम हमेशा सिरात मुस्तकीम विलायत पर गामज़न रहे। आज़ादारों की आज़ादारी को कबूल फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ भी परचम हुसैनी बुलंद से बुलंद से बुलंदतर फरमा। आप हज़रात खुशकिस्मत हैं यहाँ इस अज़ाख़ाने में वो परचम मौजूद है जो गुम्बद मुबारक हज़रत अबू अब्दुल्लाह पर था। इंशाअल्लाह उस परचम की ज़्यारत कीजिएगा और परवरदिगार आपको ज़्यारत सवाब ज़्यारत।